Hi everyone, welcome back to my channel and in this video we will discuss the first property of colloid जो होती है हमारी optical properties. ठीक है, colloid की तीन property होंगी, optical, kinetic और electrical. ठीक है, तो आज हम discuss करेंगे optical property, next class में discuss करेंगे kinetic और उससे अगले class में discuss करेंगे electrical property. तो सबसे पहले हम बात करेंगे optical properties की. ये जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है ये कोलॉइड के साइज़, शेप, उसके मॉलिकुलर वेट और स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताती है. ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो होती है चार टाइप्स के हम बोल सकते हैं या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हमें चार इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले आएगा टिंडल इफेक्ट. इसके अंदर क्या होगा कि जब किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर से हम कोई भी लाइट पास करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पर ये लाइट पास की तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो शेडो है वो हमें नेक्स्ट डार्क बैकग्राउंड पे देखने को मिलेगी. राइट, तो जब हमने व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इन डार्क द पाथ ऑफ द बीम गेट एल्यूमिनेटेड इनटू ब्लू कलर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. जो हमने यहाँ पे लाइट पास की तो ये जो हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स थे उसकी शेडो हमें किसी डार्क प्लेस पे देखने को मिलेगी. राइट, जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पे मिल्क का एग्जांपल देके समझाया है. राइट, और जिस ये जो फिनोमेना हुआ है तो टिंडल इफेक्ट होगा. ठीक है, और ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है ऐसे कॉन की शेप में, इसको बोलेंगे टिंडल कॉन. और ये जो इफेक्ट होता है लाइट की स्कैटरिंग की वजह से ही होता है. ठीक है, ये हो गया हमारे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट जो है हमारा टिंडल इफेक्ट. अब इसमें हम आगे देखते हैं इसी इफेक्ट के अंदर. इसमें जैसे आगे बता रखा है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो कभी भी छोटे पार्टिकल की साइज़ को शो नहीं करता. ठीक है, हाइड्रोजनस डिस्पर्सन के अंदर जो लियोफॉबिक होगा वो ज़्यादा इस इफेक्ट को शो करेगा और लियोफिलिक के अंदर कम इस इफेक्ट को शो किया जाएगा. नेक्स्ट इसमें आती है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी. तो जब एक इंटेंस लाइट को हम पास करेंगे किसी भी कोलॉइडल डिस्पर्सन से डार्क स्पॉट्स के अगेंस्ट में, तो आप यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे कोलॉइडल डिस्पर्सन बनाया और बीच में डार्क स्पॉट बनाया, तो यहाँ से जब मैंने लाइट को पास किया है, ठीक है, तो हम इस लाइट को काउंट भी कर सकते हैं और इस लाइट को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और ये हो जाएगा इसका डायग्राम. फिर नेक्स्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी. तो ये हमें कोलॉइडल पार्टिकल्स की जो एक्चुअल पिक्चर होती है वो दिखाता है. ठीक है, हाई एनर्जी की जो इलेक्ट्रॉन बीम पास होती है किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन से, तो उससे हम उसकी साइज़ को, शेप को, इन सब को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये लियोफिलिक के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल होता है. फिर लास्ट इसके अंदर आती है टर्बिडिटी. तो जितना भी जो भी हमारे कोलॉइडल डिस्पर्सन होते हैं वो टर्बिडिटी को शो करते हैं, यानी कि उसकी मॉलिकुलर जो वेट होगा कोलॉइड्स पार्टिकल का उसको वो शो करते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग ये जो वेट होता है इसके अकॉर्डिंग ये जो इसकी टर्बिडिटी होती है इसको शो करते हैं. और जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है इसको हम यूज़ करते हैं इसको फाइंड आउट करने में. और जो हमारी टर्बिडिटी होती है उसे हम किसके थ्रू फाइंड आउट करें, किसके थ्रू से चेक करें, मॉलिकुलर वेट के थ्रू. तो जो हमारी टर्बिडिटी होती है वो मॉलिकुलर वेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड. Like the video and subscribe to my channel. Thank you for watching and wait for the next video.